मेरा नाम अनसा आमिर है और मैं डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में एज अ कंसल्टिंग डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ अगर हम शुगर अल्कोहल्स की बात करें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में बेसिकली शुगर अल्कोहल्स और फूड एडिटिव add आते हैं और वो एफ डी ए यूज़ किए जा सकते हैं बेसिकली uh, ये लो कैलरी होते हैं इनकी एक ग्राम हमें दो कैलरीज देते हैं अगर हम एक ग्राम शुगर अल्कोहल लेते हैं या आर्टिफिशियल स्वीटनर लेते हैं तो उनमें दो कैलोरीज होती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक तो लो कैलोरिक होने की वजह से भी कंज्यूम किए जा सकते हैं और इनका ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स जो है वो शुगर के अगर हम कंपेयर करें शुगर के साथ तो उससे कम होता है तो जो एफ डी है शुगर एल्कोहल्स वो आप ले सकते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लिए जा सकते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए सेफ़ कहे जाते हैं लेकिन उसकी क्वांटिटी का ख्याल रखना होता है ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो आप एक दिन में तकरीबन 2.5 से 3 ग्राम्स आ, समझ लें, इतने आप यूज कर सकते हैं एक दिन में इससे ज्यादा नहीं स्टीविया ड्राइव जो स्वीटनर्स होते हैं वो यूज किए जा सकते हैं और इसके अलावा जो भी मार्केट में हमें नज़र आते हैं वो होते तो सेफ़ ही हैं लेकिन ये है कि उनको बहुत ज़्यादा भी इस्तेमाल नहीं करना ऐसा ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही शुगर को ख़राब नहीं करते क्योंकि वो शुगर तो है ही उनमें और वो आपकी ब्लड लेवल्स को तो थोड़ा बहुत इफेक्ट करते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करते जितना चीनी करती है तो वाइट शुगर के अगेंस्ट अगर हम ले लें तो लिए तो डायबिटीज़ का पेशेंट ले सकता है Uh, अगर हम हनी की बात करें तो हनी uh, ऐसा नहीं है कि हनी आपके शुगर को ख़राब नहीं करता उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं और उसमें भी कैलोरीज़ हैं तो वो भी उतना ही करता है बस इतना फ़र्क है वाइट शुगर में और हनी में कि उसका अगर वाइट शुगर का 60 ग्लाइसेमिक uh, इंडेक्स है तो हनी का 58 है तो इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप हनी यूज़ कर सकते हैं और चीनी को यूज़ नहीं कर सकते वाइट शुगर के अगेंस्ट अगर आप थोड़ा सा एक दिन में वन टीस्पून तक ले लें तो वो इतना ख़राब नहीं होगा लेकिन अगर आपकी शुगर लेवल्स कंट्रोल हैं तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके शुगर अंडर कंट्रोल है तो आप वन टीस्पून यूज़ कर सकते हैं हनी लेकिन वो फिर भी आपके शुगर लेवल को ध्यान में रखना पड़ता है वो आपके शुगर पे अफ़ेक्ट करता है हनी तो बिल्कुल सेफली कंज्यूम हनी को हम नहीं कर सकते